नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद शहर के किशोर नगर स्थित पशु चिकित्सा विभाग के कार्यालय एवं पशु चिकित्सालय का जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने औचक निरीक्षण किया। जिले में चिकित्सकों की स्थिति, बंद पड़े पशु औषधालय, पशु चिकित्सालय में उपचार की प्रक्रिया, उपलब्ध दवा एवं स्टाफ के बारे में जानकारी ली। साथ ही मवेशियों में मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारी को लेकर खास दिशा निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजय अरोड़ा, डॉक्टर जगदीश जिनगर, डॉक्टर कुलदीप कौशिक आदि मौजूद थे। नमस्कार, आपके एक ये दर्शन सिंह जाट, ये 10 दिन से छुट्टी पे हैं, एप्लीकेशन से पढ़ी और कोई एंट्री नहीं रजिस्टर में। अरे तो आप एंट्री तो करते ना रजिस्टर में, 10 दिन में आपको टाइम नहीं मिला एंट्री करने का। ये एप्लीकेशन तो आएगा, एप्लीकेशन अपने घर ले जाएगा और साइन कर देगा, ऐसे ही होता है। आपका कब रिटायरमेंट? तो दिसंबर में आपकी चार्जशीट बना के भेज रहे हैं अपन, मैं लिख दिया इस पे डायरी में आपके रजिस्टर पे। अच्छा, मतलब 10 दिन से आपने ध्यान नहीं दिया। पधारो काका जी, कई लोग चाय कॉफी या लेमन टी। मारे तो कॉफी पीनी है। अरे डबी जा मारी देवी, आज अनारी चाय पीन देख थाने मजा आई जाई। मैं हूं यो गाना की चाय बहुत जोरदार बेवे, मजा आई गयो, बहुत बढ़िया चाय बनाओ आप तो। आप रे अटे राजसमंद में कणी कणी जगह है दुकाना? राजसमंद, उदयपुर, भिलवाड़ा, ब्यावर, जयपुर, जगह जगह पे ब्रांचा है। अटे राजसमंद मीने कांकरोली मीने द्वारकेश चौराहे पे जेके मोड़ पे अभी नई ब्रांच खोली है। वटा पहली अपने टीवीएस चौराहे पे पेट्रोल पंप रहामी एक ब्रांच है। एक केलवा चौपाटी पे अभी नई ब्रांच खोली। वटा पहली नादवारा मीने ही और उदयपुर में 3-4 जगह पे अलग अलग है। आप तो जटे भी जाओ, आपने मंगल चाय मल जाई। बहुत बढ़िया है यार, जदी तो था तो जगह जगह खुली रखी, बहुत बढ़िया चाय है, मजा आई गयो। वाह साहब, और पधार जो, जयराम जी री। देश की सीमा सुरक्षा में तैनात भीम के पीपली नगर निवासी सैनिक सुरेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद शहीद हो गए। भारतीय सेना द्वारा राजकीय सम्मान के साथ सैनिक सुरेंद्र सिंह की पार्थिव देह को पैतृक गाँव पीपली नगर लाया गया, जहां सैनिक के अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत भी पीपली नगर पहुंचे, जहां सैनिक की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान चौतरफा शहीद जिंदाबाद के जयकारे गूंज उठे। तीरंदाजी में विदेश में देश का डंका बजाने वाली प्रिया गुजर का जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज द्वारा सम्मान किया गया। पोलैंड में आयोजित तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप में वुमेन्स और मिक्स्ड में गोल्ड और व्यक्तिगत स्पर्धा में देश को सिल्वर पदक दिलाने वाली प्रिया गुजर का स्वागत किया गया। इस दौरान अर्जुन अवार्डी रजत चौहान, कुंभलगढ़ के युवक कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह परमार सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। अवैध बायोडीजल बिक्री पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में पेट्रोलियम डीलर्स वेलफेयर संस्थान के बैनर तले पेट्रोल पंप संचालक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अवैध बायोडीजल विक्रेताओं पर कार्रवाई की मांग की। इसके दूसरे ही दिन आमेट थाना प्रभारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जैतपुरा सरदारगढ़ मार्ग पर संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली, जिसमें एक दर्जन ड्रम पड़े हुए थे। ट्रक चालक हीरा देसर
भोपालगढ़ जिला जोधपुर निवासी धर्माराम पुत्र शंकर राम मेघवाल से पूछताछ की गई तो वह पहले तो बताया कि ड्रम में बायोडीजल हैं और उसके बारे में उससे संबंधित दस्तावेज मांगे तो आरोपी न तो कोई दस्तावेज बता पाया और न ही ठीक से जवाब दे पाया। इस तरह 9 ड्रमों में 1710 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया है और पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला राजसमंद और श्रीमान सीओ साहब वर्त कुमलगढ़ के विशेष निर्देश थे कि रात्रि जस्ट को प्रभावित किया जाए और जितनी भी लीगल एक्टिविटीज है उन पर अंकुश लगाया जाए। इसी विषय में लेकर रात्रि को मैं गश्त में था। गश्त के दौरान ही एक ट्रक जो है ट्रेलर जिसके नंबर हैं गुजरात पासिंग नंबर थे इसके, ये मिला। इसके अंदर 9 ड्रम भरे हुए थे पीछे और उसमें से डीजल डिस्चार्ज हो रहा। इसको रोका, पूछा तो उसने बताया था बायो डीजल है। मौके पर कोई कागजात नहीं थे। धर्माराम उसके चालक का नाम था जो जोधपुर का निवासी था, जिसको लेके आया थाने में। SDM साहब को निवेदन किया गया, SDM साहब आज बताए, प्रकरण पंजीकृत किया गया है। प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान SHO 4 बजे के द्वारा किया गया। राजसमंद खंडेलवाल समाज के द्विवार्षिक चुनाव मेवाड़ क्लब राजसमंद में चुनाव अधिकारी सत्यनारायण रेणवा, सुरेश पीपलवा, उदयलाल व प्रहलाद रेणवा की उपस्थिति में हुए चुनाव में सर्वसहमति से अनिल खंडेलवाल को पुनः राजसमंद का अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त खाद्यान्न व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष कमल किशोर खंडेलवाल का भी अभिनंदन किया गया। इस दौरान शंकरलाल नवहाल, लोकेश शर्मा, राजेश खंडेलवाल, राजगोपाल, गोविंद शर्मा, मोहित रेणवा, रमेश माटोदिया, राधेश्याम चोटिया, श्याम सुंदर नवहाल, कृष्णकांत व्यास, अनिल शर्मा, संजय खंडेलवाल व शंकरलाल शर्मा आदि मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री रघुराज सिंह ने नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी के दर्शन किए, फिर भाजपा व विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। भाजपा के पूर्व जिला मंत्री भीम सिंह चौहान व कैलाश चौधरी के नेतृत्व में मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान केसर सिंह चुंडावत, CP धिंग, संदीप श्रीमाली, नेता प्रतिपक्ष प्रदीप काबरा, कुलदीप सिंह, सुमेर सिंह जाला, विश्व हिंदू परिषद के गोपाल जोशी, अभिषेक चौधरी, निशांत शर्मा, पार्षद पूर्ण श्रीमाली आदि मौजूद थे। दूसरी तरफ UP व देश की राजनीतिक गतिविधियों पर भी चर्चा करते हुए मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री के कार्य की ऑस्ट्रेलिया तक सराहना हो रही है, इसलिए इस बार फिर जो चुनाव होंगे उस यूपी में भाजपा का ही बोर्ड बनेगा, भाजपा की ही सरकार बनेगी। पंचायत समिति राजसमंद के विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान ने बडाड़ा में नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। मजा नांदोड़ा के पास खारी नदी में नरेगा के तहत श्रमिकों द्वारा बनाए जा रहे रास्ते की प्रशंसा की। BDO चौहान ने सड़क निर्माण व विद्यालय कार्य में महिला मेडगो टास्क के अनुसार कार्य करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान सरपंच गणेश कुमावत, ग्राम विकास अधिकारी प्रहलाद सिंह आदि मौजूद थे। टीम वसुंधरा राजे राजस्थान पशुपालक प्रकोष्ठ व पशुधन मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मनोज रायका ने रतनलाल देवासी को राजसमंद जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। राजसमंद जिले के आमेट शहर में ओसो भक्त अर्जुनलाल सोनी की 80 वर्षीय पत्नी मोहन देवी का 27 अगस्त देर रात निधन हो गया। इस पर बड़ी तादाद में ओसो के अनुयायी आमेट पहुंच गए। सुबह जैसे ही मोहन देवी की शव यात्रा घर से रवाना हुई तो शव यात्रा के आगे ओसो के अनुयायी नाचते गाते साज बजाते हुए चल रहे थे। ओसो के अनुसार इंसान मरने के बाद कण कण में समा जाता है, इसी तरह से ओसो भक्तों ने मोहन देवी का मृत्यु महोत्सव मनाया। शव यात्रा में ओसो भक्तों द्वारा उत्साह व उमंग के साथ नाचना, आनंद लेने का दृश्य हर किसी को हैरत में डाल रहा था। हर कोई इस शव यात्रा को देखने लग गया। नाथद्वारा शहर के लोगों ने उपखंड अधिकारी व पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र आंचलिया को ज्ञापन देकर 26 अगस्त को कार चालक सिद्धार्थ चारण पर चाकू से हमला करने वाले बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। टैक्सी यूनियन संरक्षक कैलाश गुजर ने बताया कि टैक्सी चालक के साथ हुई घटना निर्दयीपूर्ण है, पर आतन अपराधी बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए,
इस पर उन्होंने कहा कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। इस दौरान पर्वत सिंह जाला ने कहा कि कतिपय बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने पर आम जन में असंतोष व आक्रोश व्याप्त हैं। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।